दोस्तों धीरे धीरे पूरे भारत में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा खतरनाक बीमारी की वजह से बर्ड फ्लू होता है। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले अन्य पक्षियों, जानवरों और इंसानों में फैलता है। जी हाँ, इंसानों में भी फैलता है। कई राज्य में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पक्षियों को मारने का अभियान भी शुरू किया गया है। ऐसे देखा जाए तो बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन N5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा है जो इंसानों को भी संक्रमित करता है। जी हाँ, ये इंसानों तक भी पहुंच सकता है। बर्ड फ्लू खास तौर से जंगली बत्तख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। बर्ड फ्लू आसानी से पालतू मुर्गियों में फैल जाता है। जहां बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या फिर आंख से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इस बीमारी से आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी इतना खतरनाक होता है कि इससे जान भी जा सकती है। इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले कच्चा या फिर आध पका मुर्गा, अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इन्फेक्शन जैसे समस्या हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बर्ड फ्लू हो सकता है तो फिर आप किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टरों को दिखाएं। बर्ड फ्लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जी हां, अपने हाथों को 15 सेकंड तक धोएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें। हाथ ना धो पाने की स्थिति में, यानी कि अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो फिर सैनिटाइज करें, बार बार सैनिटाइज करें। संक्रमित पोल्ट्री फार्म में जाने और फिर वहां काम कर रहे लोगों के संपर्क में आने से बचें। पोल्ट्री फार्म में काम करने या फिर वहां जाने वाले लोगों को पीपीई किट पहनकर जाना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने और फिर इस्तेमाल के बाद इन्हें नष्ट कर दें। पूरे बाजू के कपड़े पहने और अपने जूतों को डिसइंफेक्ट करते रहें। जहां छींकने या फिर खांसने से पहले मुंह को अच्छे से कवर करें, यानी कि ढक लें। सांस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहने। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल दें। जहां अगर आप बीमार हैं तो फिर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बर्ड फ्लू की कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए इस बर्ड फ्लू से बचाव के लिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और इसका पालन करें।